क्या हाल चाल है पीपल, वेलकम बैक एवरीवन। लास्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं चैप्टर 3 का, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 मिसलिनियस एक्सरसाइज का क्या कह रहा है। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इज ए, देन आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7 ए इज इक्वल टू व्हाट, इनमें से कोई एक सही है। ठीक है, ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगाओगे, एक्सपैंड करोगे, ये इसमें पुट करोगे, सिंप्लीफाई करते हैं, इनमें से कुछ आ जाएगा। बहुत सिंपल है, चलिए शुरू करते हैं। ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला बचपन में पढ़ा था, याद है कि नहीं है? मुझे लगता है कि आधे बच्चों को तो याद होगा नहीं, तो हम लिखवा देते हैं यहाँ पे फॉर्मूला। लिखे आप ए प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। ठीक है जी, मैं इसको पढ़ भी रही हूँ जोर से, अगर दिखाई नहीं पड़ रहा तो लिख लो ए प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। ओके, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। आई प्लस ए होल क्यूब माइनस 7a इज इक्वल टू व्हाट, आई क्यूब प्लस ए क्यूब क्यूब, ये ए हुआ ये बी हुआ। इस फॉर्मूले के हिसाब से देखो, इसका क्यूब प्लस इसका क्यूब प्लस 3 टाइम्स ये और ये, दोनों टर्म्स लिखी ब्रैकेट ओपन करके, दोनों टर्म्स ऐड करके लिखनी है आई प्लस ए, और फाइनली माइनस करना है किसको, 7a को। तो देखेंगे, मैंने आपको बताया था आइडेंटिटी मैट्रिसेस की दुनिया में 1 का काम करती है, 1 की कोई सी भी पावर लोगे तो सेम 1 ही आएगा, तो आई क्यूब इज आई ए क्यूब। अब देखो ए क्यूब मतलब ए की पावर 3, सही है? इसको अभी हम देखेंगे कैसे करना है सॉल्व, ए तो गिवन है नहीं ना, तो ए क्यूब कैसे निकालेंगे अभी पता चलेगा। आई इंटू ए क्या होगा, ए, क्योंकि आई क्या है, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी इंटू एनी मैट्रिक्स इज द सेम मैट्रिक्स, देन आई प्लस ए एंड फाइनली माइनस 7a। हां जी, तो अब क्या करोगे, ए क्यूब को मैं लिख सकती हूँ ना ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकती हूँ। पहले भी बताया था कि जब पावर्स हमारे पास होती है हम उनको तोड़ सकते हैं इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन में, फिर भी ये रूल लिखवा रही हूँ, देख लो। ए की पावर m इंटू ए की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर m प्लस n। तो ये रूल मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है कि 3 को मैंने 2+1 में तोड़ दिया और अलग अलग कर दिया मल्टीप्लाई में, जैसे यहाँ पे है। तो ये दोनों आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन इज इक्वल टू ए टू द पावर एम प्लस एन। ये और भी बहुत सारे क्वेश्चन में काम आती है प्रॉपर्टी, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। और हम इस तरीके से क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ए स्क्वायर हमें गिवन है ए के बराबर, तो उससे क्या होगा, सिंप्लीफाई होगा क्वेश्चन। प्लस अब 3a को i से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 3a ही आएगा, क्योंकि a इंटू आइडेंटिटी a ही रहता है, आइडेंटिटी 1 का काम कर रहा है। प्लस अब 3a को इससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 इंटू ए मतलब 3a स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 7a। ओके, आगे चले, i प्लस ए स्क्वायर की जगह पे तुमने लिखा a और ए की जगह पे तो ए ही लिखा, प्लस 3a प्लस 3a स्क्वायर, ए स्क्वायर की जगह पे क्या लिखोगे, a, गिवन है ना, तो 3a माइनस 7a। अब देखेंगे आइडेंटिटी प्लस, ये क्या है, ए स्क्वायर हो गया a इंटू ए, और ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, a, तो यहाँ पे a लिखोगे, 3a प्लस 3a माइनस 7a, तो 3a प्लस 3a को मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 6a माइनस 7a। अब देखने वाली बात है, यहाँ पे 1a 6a मिलके बना 7a और यहाँ पे क्या माइनस का 7a, तो ये पूरा कैंसिल, a प्लस 6a 7a एंड माइनस 7a गेट्स कैंसिल, तो हमारा आंसर क्या आ गया, आइडेंटिटी। तो इसका मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो चलिए, अब थर्ड चैप्टर आपने पूरा प्रिपेयर करना है, जबकि एनसीईआरटी में समरी भी है, उसे भी एक बार आप रीड कर लीजिए, सारे क्वेश्चंस ट्राई कीजिए, खुद प्रैक्टिस कीजिए, अपने डाउट्स निकालो जो भी आ रहे हैं, और उनकी फिर वीडियोस देख के समझो। आई विल सी यू फॉर द चैप्टर 4, तब तक के लिए
Keep practicing maths, keep smiling, take care, thank you.